राजाखेड़ा महाकाल सेना ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज वन खंडेश्वर महादेव मंदिर राजाखेड़ा में बैठक बुलाई, जिसमें नवनिर्मित कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष कुंवर दीपक सिंह परिहार, सचिव पुष्पेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष योगेंद्र जैन द्वारा की गई, जिसमें जिला संरक्षक शिवम सिकरवार को मनोनीत किया गया। राजाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राघव गौ सेवक को मनोनीत किया गया। महाकाल सेना की बैठक में विजय राघव ने प्रस्ताव रखा और कहा कि राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में राजाखेड़ा में 22 जनवरी सोमवार को एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाए। सभी की सहमति से प्रस्ताव मंजूर किया गया है और 22 जनवरी को एक भव्य शोभा यात्रा राजाखेड़ा से निकाली जाएगी। मनोज राघव की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। आज वनखंडेश्वर पे जो आपके संस्थान के द्वारा, महाकाल सेना संस्थान के द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई, उसका मेन उद्देश्य क्या रहा? आज का जो मुख्य उद्देश्य था वो 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम और हमारे महाकाल जयंती के 8 मार्च में जो कार्यक्रम होगा, उन मुद्दों पर विशेष बात की गई और साथ में ही आज नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। तो जितने भी आपने कार्यकारिणी का गठन किया, तो 22 जनवरी को आपका क्या क्या प्रोग्राम रहेगा? क्या 22 जनवरी को राजाखेड़ा में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि बछेकी मंदिर से प्रारंभ होकर और वनखंडेश्वर महादेव मंदिर पर समापन किया जाएगा। आपने कितने लोगों की कार्यकारिणी गठित की? आज लगभग ब्लॉक कार्यकारिणी के साथ साथ जिला के कुछ पद दिए गए, जिसमें ब्लॉक कार्यकारिणी में आपके योगेंद्र सिंह को ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया और भी कई पद वितरित किए गए होंगे। बिल्कुल, इसमें उपाध्यक्ष आपके सौदान सिंह जी रहे, जिला संरक्षक आपके शिवम सिकरवार जी को बनाया गया और साथ ही जो और भी पद हैं, जिला ब्लॉक सचिव आपके अंकुश राजपूत जी को बनाया गया, उप सचिव संजय कसोलिया जी को बनाया गया, मीडिया प्रभारी आकाश राजपूत को बनाया गया। तो इससे पहले भी आपके इस संस्थान के द्वारा, जो महाकाल संस्थान के द्वारा कार्य किए गए होंगे, वो किस पर्पज में? समाज सेवा के कार्य किए गए हैं। इसमें आपने कोरोना टाइम पे महाकाल सेना ने इतना कार्य किया जिसकी कोई हद नहीं। आवारा पशुओं को चारे की व्यवस्था और जो लोग क्वारंटाइन हो गए थे उस समय पर घर घर जाकर लोगों को राशन वितरण किया गया था और जो प्रशासन के साथ पुलिस मित्र भी लगाए थे महाकाल सेना ने। इसमें आपका कोई जातिगत उसके आधार पे या सर्व जातीय संगठन है, इसमें कोई जातिगत संगठन नहीं है। ठीक ठीक, धन्यवाद।